Broadband. अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मेरे साथ राशिद लतीफ मौजूद है। ये देखें मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कोई समझ आ रही होगी, पता नहीं अब कब तक ये साथ चलना, वैसे चलना चाहिए नहीं था, लेकिन आजकल हमने एक आपने देखा है कि सीरीज शुरू की हुई है और आज भी हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद होगी, इनको मैं शख्सियत कह रहा हूँ, ये वाकई शख्सियत है। एक तो मैंने इनके साथ बहुत काम किया, बहुत सारे टेस्ट मैचेस इंटरनेशनल मैचेस कवर किए, ये कराची से आते थे, इनका अपना एक अंदाज है, मियां तुम्हें नहीं पता कल ये होने वाला है तो, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि ये इतने बुजुर्ग हैं। इन्होंने अभी सोशल मीडिया पे कहीं लिखा है कि इन्होंने पहला जो लाइव मैच देखा था वो हनीफ मोहम्मद का आखिरी टेस्ट मैच था, यानी कि 1969-70 की बात कर रहे हैं, जहाँ पे नजीब जूनियर ने 7 आउट किए थे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि अच्छा यार, ये हम भी इतने बूढ़े हैं, ये ज्यादा बूढ़े थे। इन्होंने चंद गलतियां भी की जिंदगी में। एक तो इनका कोई काम नहीं था जर्नलिज्म में, लिखते बहुत अच्छे हैं, बोलते बहुत अच्छे हैं, स्पोर्ट्स को समझते हैं, पैशन है, हिस्ट्री का बहुत पता है, बहुत पता है। बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जो पास्ट को इतना फॉलो नहीं करते, ये करते हैं। ऑल स्पोर्ट्स को इन्होंने फॉलो किया, जहांगीर खान का जिस वक्त ब्रिटिश ओपन जीत रहे थे, यंगस्टर थे, इन्होंने इंटरव्यू किया। सो इनकी कोशिश ये थी कि स्टार्स को बिल्ड करें ताकि हमारे लिए कोई रोल मॉडल जो है वो मिले, लेकिन मुझे समझ नहीं आई इतने एक शरीफ आदमी का जर्नलिज्म में क्या काम। हमारे साथ है जी अब्दुल रशीद शकूर साहब। जी शकूर भाई, ये क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ। ये फील्ड आपकी बनती नहीं थी वैसे यार, ये बताइए आप मेरा, ये आप मेरा शरीफाना वाला तारुफ करवा रहे थे या बाउंसर करा रहे थे? और विकेट के पीछे, और विकेट के पीछे राशिद लतीफ जिसने कोई कैच छोड़ना नहीं है। वो तो आज भी नहीं छोड़ते। राशिद आज आप जरा पहला सवाल आप डाल दे, पहला आप डालें आज जरा। रशीद भाई यार, मैं तो देखे नया नया साथी बना हूँ लिखने में या बोलने में, मैं वैसे ही सवाल पूछूंगा जो शुरू में मुझसे किए जाते थे कि रशीद भाई आप सहाफत में किस तरह से आए और बीबीसी का सफर कैसे शुरू हुआ? राशिद बड़ी लंबी कहानी है और बहुत वक्त चाहिए बताने में, मुख्तसरन बताता हूँ। जितनी उम्र है उतनी कहानी होगी ना भाई। देखे मेरी कहानी होगी, देखे वो किसी ने अच्छा लिखा था कि बाल सफेद करने में ना जिंदगी गुजर जाती है, काले तो आधे घंटे में हो जाते हैं। तो और डॉक्टर साहब आपका तो अभी फारिगुल बाल लग रहा है। असल में लिखने लिखाने का शौक जो है वो जब मैं स्कूल में था तो मैं उस वक्त यानी अखबारात में जो मरासले होते हैं मुख्तलिफ मसाइल पे, ट्रांसपोर्ट का है, जो मुझे फेस करने पड़ते थे, इस तरह छोटी छोटी चीजें थी, तो वो मैं लिखकर जो है वो डाक टिकट 10 पैसे का लगा के और अखबार के दफ्तर में भेज देता था, तो वो दीवाने आम और एडिटर की डाक और ये उसमें वो मरासले छपते थे, तो वो लिखने का वहां से शुरू हुआ। फिर ये कि क्रिकेट को काफी यानी फॉलो किया बचपन से, जो पहली मेमोरी जिस तरह भी डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं बहुत छोटा था तो मैं गया किसी के साथ चला गया था, मुझे इतना एग्जैक्ट बहुत ज्यादा मुझे याद नहीं है, हल्की हल्की यादें हैं कि वो हनीफ मोहम्मद का आखिरी टेस्ट, उस वक्त हमें पता ही नहीं था कि क्या है ये सारी चीजें, बस स्टेडियम गए वापस आ गए। लेकिन जो असल यानी जो मेरी जो याददाश्त में जो पहला जो टेस्ट मैच कह लें जो प्रॉपर मुझे याद है वो कराची टेस्ट था 1972, टोनी लुइस की जो इंग्लैंड की टीम आई थी, वो टीवी पर मैंने देखा था ब्लैक एंड व्हाइट, वो एक कैमरा यहाँ एक एंड पे लगा हुआ होता था और उसमें वो माजिद खान और डेनिस एमिस और तो ये चीजें चलती रही। फिर 1975 का जो वर्ल्ड कप आया है तो मुझे रशीद भाई ये वो वाला टेस्ट है जिसमें एमएस 99 पे आउट हुआ, माजिद भाई 90 वही मैंने बताया, जी जी 89 पे, बिल्कुल वही है, तीन नर्वस 90s थे। तो असल जो मेरा क्रिकेट से जो यानी पढ़ने का जो शुरुआत हुई है जो इतना हुई, मेरे घर के अंदर चूंकि वालिद जो थे वो सेमी गवर्नमेंट एक जॉब थी उसमें थे, वो पारसी फॉर्म में, तो घर में जो है वो उस जमाने में तीनों उर्दू के अखबारात और उस जमाने के दो या तीन इंग्लिश के जो अखबारात और गुजराती अखबारात ये सारी चीजें आती थी, तो वो उस तरह अखबारात पढ़ना शुरू किया, उर्दू अंग्रेजी मतलब वहां से सीखनी शुरू की, स्कूल कॉलेज आए तो वो जाहिर सी बात एक प्रॉपर वे में आ जाती है आपकी तालीम और सब चीजें। लेकिन जो क्रिकेट का जो शौक था 1975 का क्रिकेट दी क्रिकेटर मैगजीन जो था उसका एनुअल आया था और उस वक्त उसकी कीमत थी 4.50 रुपए, जो आज तक वो मुझे पता है। तो मैंने अपने फादर को कहा कि मैंने ये मैगजीन खरीदा है, तो उन्होंने मुझे मतलब पैसे दे दिए,
میری والدہ اتنی غصے ہوئی کہنے لگی اتنی فضول خرچی اور یہ, تو خیر وہ بات آئی گئی ہو گئی. تو وہاں سے وہ پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا. لیکن کس کو پتا تھا کہ جس میگزین کو میں خرید رہا ہوں وہاں پہ جا کے میں پہلا آرٹیکل میرا وہاں, مطلب دوسرا آرٹیکل پہلا تو میرا اخبار وطن میں چھپا 79 ورلڈ کپ کا, پھر کرکٹر میگزین میں جاب کی وہاں سے, پھر ہوتے ہوتے یہ آپ اردو والی بات کر رہے منصور بیگ والا یا ریاض احمد منصوری انگلش کرکٹر؟ دیکھیں یہ انگلش میگزین تو 1972 میں نکلا تھا اور 1979 میں اس کا اردو ایڈیشن شروع ہوا تھا. تو 79 میں جب ورلڈ کپ شروع ہوا تھا تو عمران خان کا ٹائٹل تھا, وہ پہلا اس کا شمارہ آیا تھا اردو کا. تو میں نے 1980 میں پہلا مضمون جو ہے وہ کرکٹر میگزین میں جو لکھا منصور بیگ والے. نہیں منصور بیگ تو بہت بعد میں آئے نا, منصور بیگ نے تو بعد میں ادارہ سنبھالی. اس زمانے میں نعیم خانزادہ ہوتے تھے اور پھر آفاق احمد خان جو ہمارے ایک ساتھی تھے جن کا امریکہ میں انتقال ہو گیا, وہ تھے, ان کے ساتھ کام کیا, وہ حریت میں مجھے لے گئے, اس کے بعد روزنامہ پاکستان, پھر ریڈیو پاکستان میں کام کرتے. اچھا شکور بھائی مجھے آپ یہ چیز بتائیں کہ آپ بیسیکلی تو انگریز ہیں, تو یہ اردو ادب میں کہاں سے آپ کو؟ بیسیکلی میں یہ پوچھنا تھا, یہ اچھا سوال کر لیا. یہ دیکھیں ایک میمن کمیونٹی ہے کراچی میں انڈیا میں, آپ کو پتہ ہی ہے, اس میں سے بہت سارے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طرف آتے ہیں جس طرف آپ آئے. یہ کیسے آپ نے بتائی دی تو اس کا پس منظر دیکھیں, اس کا پس منظر یہ ہے کہ جو میرے نانا ہیں, میرے جو نانا تھے وہ قیام پاکستان سے پہلے راجکوٹ سے ایک اخبار نکلا تھا میمن بلٹن, جس کو قائد اعظم نے کہا کہ اس کا نام آپ چینج کر کے مسلم بلٹن رکھیں. تو میرے نانا اس کے ایڈیٹر تھے, پھر پاکستان بننے کے بعد وہ جب یہاں آئے تو ڈان گجراتی اور وطن گجراتی کے وہ ایڈیٹر رہے, اور سیرت النبی اور سیرت عائشہ کے انہوں نے گجراتی ترجمے کیے آدم جی ایوارڈ. تو ایک وہ بڑے ریلیجیس اسکالر ٹائپ کی چیز تھے, جو مختلف جو علماء تھے وہ ان سے خود یعنی رابطہ کرتے تھے اور مختلف چیزوں پہ ان سے مشورے لیتے تھے. تو وہ بیسکلی وہ جرنلزم یعنی جرنلسٹ بھی تھے, صحافی بھی تھے. تو وہ ان کو دیکھ کر مطلب ایک تحریک تو ہوتی تھی کہ یار گھر میں ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو وہ ہے, لیکن ان کا ایک انداز بالکل مختلف تھا, ان کی جو فیلڈ تھی وہ مختلف تھی. میں نے جو اپنے لیے راہ چنی وہ بالکل مختلف اسپورٹس, اور خوش قسمت یہ ہے کہ جو میرا شوق تھا وہی میرا پھر پروفیشن بھی بن گیا. یہ ایک بڑی شکور بھائی مجھے یہ بتائیں شکور بھائی, یہ بی بی سی کہاں پہ آ گیا؟ بی بی برٹش براڈکاسٹنگ کارپوریشن از آلویز ان انگلش. نہیں بالکل آ گیا, لیکن اس کی بھی ہم اردو سروس میں آئے. اور وہ اس طرح ہوا تھا کہ میں ریڈیو پاکستان پہ اسپورٹس کا پروگرام کرتا تھا, عالمی اسپورٹس راؤنڈ اپ, جو اپنے زمانے کا بہت مقبول ترین پروگرام ہوتا تھا, جس کی جو لسننگ تھی وہ نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا اور دوسرے ملکوں میں بھی وہ جب شارٹ ویو پہ لوگ سنتے تھے تو بڑے اس کے اس زمانے میں خطوط آتے تھے. ای میل کا زمانہ نہیں تھا, نہ اس طرح کی کوئی آپ کا انٹرنیٹ آیا تھا, تو بڑے خطوط آتے تھے. تو وہ پروگرام میں نے کیا, میرے جو مینٹور تھے اس زمانے میں, صحافت میں میں کہتا ہوں کہ میرے جو استاد ہیں وہ نادر شاہ عادل صاحب ہیں, جو ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, بہت شفیق انسان. اور جب ریڈیو پہ آیا تو محمد نقی جو تھے وہ میرے مینٹور تھے, ان سے میں نے اردو, انہوں نے میری اردو کی جو درست کرنے میں بہت ان کا بڑا رول ہے. تو ایک 1993 کی بات ہے کہ جب شفیع نقی جامعی صاحب جو ہے کراچی آئے تھے, تو وہ ریڈیو پاکستان کے اشتراک سے انہوں نے ایک ریڈیو کا ایک اسپورٹس کا شو ارینج کیا تھا جو بی بی سی سے براڈ کاسٹ ہوا. تو وہ میں نے ان کو اسسٹ کیا, ایک صاحب کو انہوں نے ذمہ داری سونپی تھی, انہوں نے کہا میری مصروفیت یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مصروفیت کے اس بہانے سے وہ مجھے ایک موقع ملنا تھا, تو وہ میری انٹری ہوئی. اور اس کے بعد پھر میں نے 1993 سے ہی جو ہے ان کے لیے فری لانس شروع کیا, 10 سال میں نے فری لانس کیا. اس کے بعد 2003 میں پھر وہ ایک مستقل جاب کی شکل بی بی سی, تو 27 سال ہو چکے ہیں. شکور بھائی ماشاءاللہ 27 سال میں محیط یہ سفر ہے, لیکن میں نے کہیں سوشل میڈیا پہ, جس کو میں اور راشد کھوچر میڈیا کہتے ہیں, اس پہ ہم نے کہیں پڑھا تھا کہ آپ کی کوئی رائے جدا ہو رہی تھی بی بی سی اردو سروس سے, یہ کوئی بات صحیح ہے؟ نہیں نہیں نہیں, رائے جدائی سے کیا مطلب ہے, کبھی ایسا نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, مطلب ہاں بالکل اللہ کا شکر ہے. کیوں آپ چاہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے, لیکن اس وقت جو جی صحیح مدعے پہ آتے ہیں. اچھا مجھے رشید بھائی ایک چیز بتائیں جو میں نے آبزرو کی اوور دی ایئرز, ناؤ آئی نو یو فار آلموسٹ 30 ایئرز, 30 سال ہو گئے جب سے شروع سے, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پرسنالٹی اور ہے, تھاڑ کر کے منہ پہ بات کر دینا, سچی بات کرنا, کھڑی بات کرنا, ایونٹس کو اسی طرح لکھ دینا جو ایکچوئل ہیں. لیکن بی بی سی مجھے اتنا پتا ہے کہ بڑی ایک ریگولیٹڈ باڈی ہے, یعنی کہ ان کے اپنا ایک نارمز ہیں, ان کا ایک فریم ورک ہوتا ہے جس سے آپ باہر نہیں نکل سکتے.
तो ये कभी कोई फ्रस्ट्रेशन हुई कि यार मैं ये लिख सकता था, मैं लिख नहीं पा रहा क्योंकि अब मैं बीबीसी के लिए काम करता हूँ? नहीं, जब देखें डॉक्टर साहब, जब आप कहीं पे भी काम करते हैं, जैसे आप खुद हैं, जैसे आप पीटीवी से वाबस्ता हैं, तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब ये मैं नहीं कहता कि आपको अपने आप को कंप्रोमाइज कर लें या उसी रंग में अपने आप को रंग लें। आप अगर सच्चा लिख रहे हैं, सच लिख रहे हैं और हक की बात लिख रहे हैं और हकायक आप सुनने वालों को, देखने वालों को, पढ़ने वालों को उन तक पहुंचा रहे हैं, तो फिर ये चीज आपके जहन में नहीं आती कि यार ये क्या पाबंदियां हैं या क्या कदम है, कुछ ऐसा नहीं होता। रही बात बीबीसी की, तो मैं ये नहीं कि मैं बीबीसी से वाबस्ता हूं तो मैं बीबीसी की तारीफ कर रहा हूं, लेकिन हमारे यहाँ एक चीज देखें, एक चीज अच्छी होती है कि उसूल और कुछ कवायद जवाबित होने चाहिए, और उसमें आपको ये नहीं होना चाहिए कि आप मादर पितर आजाद हो गए। अगर मुझे डॉक्टर साहब की शक्ल पसंद नहीं है या उसकी शख्सियत से मुझे कोई जाती इख्तलाफात हैं, तो मैं फिर अपना कलम उठाऊं और मैं जो मर्जी में आए लिखूं और मुझे कोई पूछने वाला ना हो। तो इदारों की तरफ से जो एक पॉलिसी होती है, आपको एक गाइडलाइन दी जाती है, वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। अगरचे उस पर बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये क्या है, हम तो ये इसके पाबंद हो गए, हमारा कलम जो है वो मतलब उसके पाबंद हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको खुद फिर रियलाइज होता है कि यार आप जो कुछ लिख रहे हैं क्या वो सच है, हकीकत पर मबनी है, और बायस तो नहीं है आप कि उसमें पसंद नापसंद का अंसर गालिब ना हो। तो ये दोनों तरफ से ट्रैफिक है, दोनों तरफ में ट्रैफिक होता है। राशिद मियां जी, तो पिछले साल ना राशिद भाई, पिछले साल शकूर भाई को अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट जर्नलिस्ट का अवार्ड मिला, वो जो स्पोर्ट्स अवार्ड थे, और जब शकूर भाई लेने पहुंचे तो इनको किसी ने अंदर जाने नहीं दिया, गेट पे ही, और इतने नाराज हो गए। ये जरा इनको स्टोरी सुना, तो ये फौरन हो जाते हैं बिल्कुल। आपको पता ही है कि जज्बात जिसके अंदर होते हैं, असल में नाराजगी, वो नाराजगी नहीं, नाराजगी की जो वजह थी वो ये थी कि वो तकरीब कोई ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन ने मुनक़िद नहीं की थी या इस तरह नहीं थी, वो गवर्नर हाउस में हुई थी तकरीब। तो अच्छा, मतलब अच्छा। आप तवक्कु रखते हैं कि यार कोई सिस्टमेटिक एक तरीक़ेकार होगा। अब हम खड़े हुए हैं, हम दो तीन जर्नलिस्ट थे गवर्नर हाउस के गेट पे खड़े हुए हैं, और बाहर से गाड़ियां आ रही हैं, पजीरो, लैंड क्रूजर, ये, और शीशे उतर रहे हैं और वो देख रहे हैं और गाड़ियां अंदर जा रही हैं। अच्छा, हम खड़े हुए हैं, हमने कहा जी क्या है, तो उन्होंने कहा जी आपकी लिस्ट नहीं आई है, आपकी लिस्ट आ जाती है उसको क्लियर करके हम आपको भेज देंगे। तो वो कुछ ज्यादा ही इंतजार हो गया, तो मैंने कहा कि भाई अब अवार्ड जो है वो तो अब फिर बाकी बात है, पहले ये जो कहना चाहिए तजहीक, तजलील, या आपकी जो एक इंसल्ट कह लें या नामुनासिब जो अंदाज देखने को मिल रहा है, इससे बेहतर यही है कि आप वापसी का रास्ता अख्तियार कर लें। तो बाद में फिर उन्होंने रियलाइज किया, माजरत हुई, वो अवार्ड पर उनकी मेहरबानी है, वो मुझ तक पहुंचा। तो कोई ऐसी मुझे कोई हार्ड फीलिंग्स या इस तरह की वो चीज नहीं थी। नहीं, रजीत भाई एक सवाल और, उससे पहले डॉक्टर कोई हार्ड सवाल करें कि आप आपका ना गैंग, एक सुना है आपका गैंग है बहुत बड़ा, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, तमीउल हसन, बिल्कुल है गैंग, तमीउल हसन, वहीद खान है और शाहिद हाशमी है, जोजी है, माजिद भट्टी है, ये बहुत पुराना गैंग हो गया है। तो इसकी क्या खासियत क्या है और किस तरह से 30 सालों से आपको मैं साथ देख रहा हूँ, तो किस तरह से डेवलप हुआ और अब कहाँ तक आप लोग पहुंच गए? अच्छा, अब ये इसका जवाब मैं देता हूँ, लेकिन इससे पहले आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि आपने जितने अरसे क्रिकेट खेली तो वो आपने ड्रेसिंग रूम भी शेयर किया होगा, ठीक है, उसमें वही चेहरे होंगे 20-25 साल 15 साल के ऐसा। जी 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 जी। तो उसको क्या हम कहेंगे कि वो गैंग है या वो गैंगस्टर्स है? नहीं, गैंगस्टर तो थे हम लोग। नहीं, वो आपने आपने जितनी थरथरी मचाई है ना पाकिस्तानी क्रिकेट में, वो किसी ने नहीं मचाई। आप पर मुझे गुस्सा भी आता है बहुत प्यार भरा, कि भाई जितना मटेरियल, जितना मवाद, जितनी चीजें, इंफॉर्मेशन और जितना कुछ आपके पास था, आपने उसको पब्लिक तक लाने की कोशिश ही नहीं की। आपने किताब की शक्ल में, एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में उसको कभी सोचा ही नहीं। आपने सोचा, लेकिन वो कभी आपकी हार्ड डिस्क चोरी हो गई, कभी आपकी सीढ़ियां चोरी हो गई, कभी कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं, रशीद भाई ये मेरी बात, रशीद भाई मेरे साथ हो चुका है, ये मेरी बात हुई है राशिद से, वो राशिद कहता है अगर मैंने किताब लिख दी ना तो फिर आगे काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पसे पर्दा लोगों के नाम आएंगे, पसे आईना चेहरे कुछ और है। राशिद एक जरूरतमंद क्रिकेटर और इंसान है, वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा, वो लिखेगा तो सच लिखेगा, वरना अभी जिस तरह वो बैठा हुआ है बैठा है, ठीक है। अच्छा, जहाँ लिखवा लूंगा, आप फिक्र ना करें, लिखवा लूंगा। अच्छा, आप आए ना जरा मैच फिक्सिंग पे,
ये जो समी बर्नी और जोजी और ये जो जितने मोतबरीन के नाम लिए ना उनका मैं जिक्र कर लूं। असल में हम लोगों की जो जर्नलिज्म का जो एक कहना चाहिए एक टाइम पीरियड कह लें या दौर कह लें वो एक जैसा ही रहा है, ठीक है ना। मतलब 80s के अंदर हम लोग आ गए थे, मैं थोड़ा पहले आया उसके बाद फिर ये बाद में सारे आने शुरू हुए, लेकिन एक जमगठा लग गया हम लोगों का, दोस्तियां हुई, एक साथ ट्रैवल करते थे। जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि पिंडी स्टेडियम हो गया, अरबाब न्याज स्टेडियम हो गया, कद्दाफी स्टेडियम हो गया, उसके बाद फिर पाकिस्तान से जब बाहर जाना शुरू किया, शारजा है, UAE के ग्राउंड है, इंग्लैंड है, तो ये जो कवरेज का जो एक सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें यही चेहरे थे, तो एक दोस्तियां आपकी बन जाती है, एक अंडरस्टैंडिंग पहले बन जाती है, आप साथ उठ रहे बैठ रहे होते हैं, खाना खा रहे हैं, मैच कवर कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें, और उसको मैंने बड़ा इंजॉय किया है। हम लोग मतलब मैंने इन लोगों से भी सीखा है और काफी चीजें जो हैं वो पता चली हैं कि आप जब बाहर जाते हैं कवरेज करते हैं तो क्या उसके तरीकेकार होता है, क्या उसके कवायद और जवाबित होते हैं, क्या डिसिप्लिन होता है, तो ये चीजें आपकी जब गैदरिंग जब होती है अच्छी गैदरिंग के साथ आप सीखते हैं। नहीं शकूर भाई, शायद आशमी का मैं मान सकता हूँ, रिजवान जोजी को तो मैं तब से जानता हूँ जब वो पेज ब्रेकिंग करता था न्यूज में, लेकिन वो तो सीख सकते हैं, लेकिन वहीद खान को आप अगर सिखाने बैठेंगे वो उस्ताद है मोहतरम बर्नी को, तो भाई वो उस्ताद है मोहतरम है वो उस्ताद है, लेकिन बड़े मजे मजे की चीज है। देखे हर बंदे की अपनी जो कहना चाहिए शख्सियत कह लें, उसकी साइकी कह लें, उसका अंदाज कह लें, वो डिफरेंट होता है, तो वो चीजें तो होती हैं। और आपको फिर जब प्रेस बॉक्स में आप बैठते हैं, आप पूरी एक सीरीज, आप पूरी एक PSL, पूरा एक इवेंट आप कवर कर रहे होते हैं, तो आपको मुख्तलिफ अंदाज की चीजें आपको देखने को मिलती हैं, परखने को मिलती हैं, तो आदमी मतलब इंजॉय तो करता है डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। राशिद भाई रशीद भाई के साथ जब आप मैच कवर करें ना तो एक लाजवाब एक्सपीरियंस होता है, तजर्बा होता है ये कि अड़े ये तो होना ही था। तो जाते हैं तो ये सारे घुर के बैठे होते हैं, कभी किसके पास बैठे, कभी किसके पास बैठे, इनके मैच में तो होते ही नहीं है बिल्कुल भी, ये अपनी बातों में लगे रहते और स्टोरी फाइल हो रही होती है, ये कमाल होता है। नहीं चल रहा होता ना, जुगते लग रही होती है और जो जी शर्तें लगा रहा होता है। नहीं जोजी का तो जोजी का तो एक सबसे बड़ा वो होता है ना, ओ छोड़ो जी छोड़े जी वो जुमले जो है ना कमाल के होते हैं। होना ही जी अच्छा मैंने कह दिया जी, ये राशिद वगैरह जब ये क्रिकेट खेल रहे थे वो मेरा ख्याल है आप भी मानेंगे कि 1990s की जनरेशन, जैसे हम लोग एज जर्नलिस्ट भी देखते हैं और हम समझते हैं, पता नहीं हम सही समझते हैं या गलत, कि हमारी जनरेशन जो है वो शायद लास्ट जनरेशन थी जिसने प्रॉपर जर्नलिज्म किया, अब शायद जर्नलिज्म बदल भी गया, लेकिन मैच फिक्सिंग और पाकिस्तान क्रिकेट इसको आपने कैसे देखा, कैसे समझा और कैसे लिखा इसके बारे में डॉक्टर साहब? बड़ा सेंसिटिव जी बड़ा हसास टॉपिक है और ये बहुत ही हसास और एक बड़ा नाजुक मामला है, और इसका इदराक या जो अंदाजा था, ये तो मानते ना कि ये एक हकीकत है, ये तो आप मानते नहीं? बिल्कुल है, अगर ना होती तो इतनी इंक्वायरियां भी ना होती और इतने इंक्वायरी कमीशन भी ना बनते, अगर ये सिर्फ मफरूजों पर मबनी होता तो आउटराइट रिजेक्ट कर दिया जाता कि जी डिसमिस, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंक्वायरियां हुई, बयानात कलमबंद हुए, और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, आप देखें किंग्स कमीशन आप देख लें, उसकी पूरी रिपोर्ट पढ़ लें, साउथ अफ्रीका में आपकी FBI की जो रिपोर्टें हैं भरी हुई हैं, बुकियों के नाम ऐसे दिए हुए हैं कि जैसे वो एक पूरी एक फहरिस्त है और उनके बारे में उनके प्रोफाइल तक लिखे हुए कि वो कौन थे क्या थे ये सारी चीजें, तो ये हकीकत तो है। अब उस हकीकत को किसी ने झुटलाया, किसी ने उसको एक्सेप्ट किया, किसी ने सच पूरा लिखा, किसी ने आधा सच बयान किया, इसको मतलब हम इस अंदाज से ले सकते हैं। जहां तक मैंने इसको कब नोट किया या क्या चीजें थी, ये 1994 का जो श्रीलंका का टूर था जो पाकिस्तान ने पहले टेस्ट सीरीज खेली और उसके बाद, और ये वो पहला टूर था, मेरी जिंदगी का भी पहला टूर था, जो BBC ने मुझे कहा कि आपने आप टूर पे जाएं, तो मैं गया, 2 महीने में वहां रहा था, ये 2 महीने का टूर भी था, वहाँ कर्फ्यू लग गया इलेक्शन के बाद, कैद हो गए, ये सब चीजें रही, फिर वो सिंगर ट्रॉफी और ये सब चीजें देखने में आई, तो वहाँ कुछ ऐसी चीजें थी, तो मैंने उस जमाने में मैं BBC में तो था लेकिन वो मोहतरम
بات کہہ لیں کہ اس آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو کوئی شواہد نہ ہو لیکن آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اس کا پتہ لگانا چاہیے. وہ آج بھی اخبار میرے پاس محفوظ ہے, وہ مطلب 1994 کا روزنامہ پاکستان کا تھا. یہ وہی ٹور ہے جس میں میری پہلی مرتبہ راشد بھائی سے جو ہے ملاقات ہوئی اور یہ ساری چیزیں ہوئی. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز جو تھی آتش فشاں جو تھا یہ پھٹا, لاوا باہر نکلا, ایسی چیزیں آئیں جو بڑی ہولناک تھی, تو اس کو رپورٹ بھی کیا. اس زمانے کے جو اخبارات ہیں, اس زمانے میں یہ الیکٹرانک میڈیا تو اتنا زیادہ وہ نہیں تھا, اخبارات تھے یہ ساری چیزیں, تو اس زمانے میں یہ رپورٹ بھی ہوا. اور پھر بعد میں جب یہ انکوائریاں ہوئی ہیں اس کی اور جب کمیشن بنے جسٹس قیوم کمیشن, تو اس کی بھی جا کے لاہور جا کے کوریج کی اور پھر ان کے انٹرویوز, کھلاڑیوں سے بات چیت, جو ان کے بیانات تھے وہ ساری چیزیں نظروں سے گزری. تو یہ ایک بڑا یعنی انٹرسٹنگ مطلب میرے صحافتی کریئر کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ اب 20 سال ہو گئے, دیکھیں 20 سال ہو گئے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کل کی آپ نیوز بریکر ٹائپ جرنلزم نہیں کرتے, آپ بڑا تحقیقاتی اور شریفانہ جرنلزم کرتے. یہ ہماری بی بی سی کی بھی ایک وہ کہنے کے وہ ہے ایک مطلب سلوگن کہہ لیں یا ایک رہنمائی گائیڈ لائن کہہ لیں کہ آپ پہل مطلب اس انداز سے نہ کریں کہ بعد میں آپ کو پھر پچھتاوا ہو یا آپ کو اپنی خبر واپس لینی پڑے. تو آپ پہلے آپ بھلے لیٹ ہو جائیں, آپ کو تھوڑی سی تاخیر ہو جائے, لیکن آپ کی دی ہوئی خبر جو ہے وہ اتنی مستند ہو کہ آپ کو پھر پشیمانی یا شرمندگی نہ ہو یا آپ کو پھر واپس مطلب ڈیلیٹ نہ. اب تو ڈیلیٹ والا زمانہ آ گیا نا, پہلے تو ڈیلیٹ کا بٹن کسی کو پتہ ہی نہیں تھا ڈیلیٹ کیا ہوتا ہے. تو وہ خبر واپس لینے والی جو بات ہے وہ زیادہ یعنی شرمندگی والی بات ہوتی ہے کہ آپ کی خبر جو ہے وہ مطلب اس کی تردید آ جائے, اس کی اس کو کوئی غلط ثابت کر دے. تو وہ بی بی سی کی جو گائیڈ لائن ہے اسی میں رہتے ہوئے کی, لیکن ایسا نہیں ہے, خبریں دی بھی ہیں لیکن اس کی تشہیر نہیں کی میں نے. جی وہیں سے کنٹینیو کیجیے گا جہاں سے ڈاکٹر نے روک دیا تھا آپ کو. میں نے کہا روک دیا تھا راشد میاں, آپ تو ایک الزامات تواتر سے لگاتے رہتے ہیں. وہ اپنے بتا رہے تھے نا, تو وہ آپ کو دماغ میں سوال آ گیا ایک نیا. اچھا چلیں, آپ بتا رہے تھے جی 94-95 میچ فکسنگ, آگے چلے رشید بھائی. یہ 94 کا جو ٹور تھا اس میں مطلب ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ اس طرح کے جو ریزلٹس تھے کہ جی 140 رنز کا ہدف ملا ہے اور 80 پہ ایک آؤٹ ہے, اور اس کے بعد پتہ چلا کہ ایک گروئن انجری ہوئی, ایک بیٹس مین باہر چلا گیا انجرڈ ہو کے, اس کے بعد باقی 8 جو ہیں وہ ایسے وکٹیں گری جیسے وہ خزاں کے پتے جو ہے وہ گر رہے ہوتے ہیں درختوں سے. تو وہ ساری چیزیں تھیں, پھر کچھ کیریکٹرز جو ہے وہ عجیب و غریب ان کی سرگرمیاں مطلب نظر آتی تھیں کہ یار یہ کون ہے, اس کا کیا کام ہے. ایک ہمارے بہت ہی بزرگ سینئر ہمارے ریڈیو پاکستان کے ساتھی تھے ابراہیم خان, ان کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے, ان کا ایک مرتبہ مجھے فون آیا تو ان سے بات ہو رہی تھی, میں نے خان صاحب کیا حال ہے, تو کہنے لگے یار فلاں صاحب تو آپ کو نظر نہیں آئے اس ٹور پہ. میں نے کہا ہاں نظر تو آئے, کہنے لگے اللہ خیر کرے, یہ ان کا جملہ تھا. تو یہ اس طرح کی چیزیں رہیں, وہ بڑا یعنی ہنگامہ خیز دور تھا جس میں مطلب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ آپ جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ یہ حقیقت تو ہے, تو حقیقت اگر نہ ہوتی تو کھلاڑیوں سے مینیجر صاحب جو ہیں وہ قرآن پر حلف کیوں لیتے اپنی یعنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے. یہ ساری چیزیں تو ہیں ڈاکٹر صاحب. جناب راشد بھائی اب آپ پوچھئے گا. بھائی میں والا قصہ سنا دیں, قصے سنوں گا نا میں سے. جب میں ہم لوگ ساؤتھ افریقہ سے آئے اور ہماری ٹیپ لگی ہوئی تھی, وہ قصہ بتائیں. ہوا یہ تھا اپنا ڈاکٹر صاحب کہ راشد بھائی نے اور باسط علی نے وہاں پہ اعلان کر دیا ریٹائرمنٹ کا. اب یہاں ادھم مچا ہوا ہے کہ بھائی ہوا کیا ہے. اب ہم بھی جو ہے وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ بھائی یہ لوگ آئیں گے تو ان سے کسی طرح ملاقات ہو, پوچھا جائے کہ بھائی ہے کیا. جب تو ایک دن نیشنل اسٹیڈیم گئے تو وہاں پہ اس سے پہلے کچھ لوگ جرنلسٹ جو ہیں وہ موجود تھے, جن میں سے ایک کا نام میں ضرور لوں گا مظاہر باری, جو ہاکی کے بہت سینئر کمنٹیٹر تھے لیکن ریڈیو آسٹریلیا کے لیے وہ رپورٹنگ کرتے تھے, انٹرویوز وغیرہ کرتے تھے. تو وہ مجھے وہاں نظر آئے, میں نے کہا کیا ہے. کہنے لگے یار وہ راشد آیا ہوا ہے عباسی صاحب سے ملنے یا پتہ نہیں کچھ اس طرح ہو اس میں. میں نے کہا اچھا کہاں ہے. کہنے لگے یار وہ اندر ہے ابھی, پتہ نہیں باہر نکلتے تو پڑھتے ہیں. اچھا راشد صاحب نے اپنا جلوہ دکھایا باہر آئے, نہیں میں کسی سے بات نہیں کرتا, میں کسی سے بات نہیں کرتا. ان کے پیچھے ہم گئے تو میں نے کہا کہ بھائی اب کیا ہے, یہ آپ نے ایک دھماکہ تو کر دیا ہے, اب آپ کچھ بولیں تو صحیح نا, پتا تو چلے کہ حقیقت ہے کیا, دنیا کو بتائیں تو صحیح.
तो खैर पता नहीं हमने उनको इतना जज्बाती किया, ये ऑलरेडी इतने जज्बाती हैं, तो वो दोनों का जो मिक्सअप हुआ तो उन्होंने टेप रिकॉर्डर जो है वो मेरा कहा कि ऑन करें, ऑन किया। उसके बाद फिर राशिद साहब ने जो एक इंटरव्यू दिया वो फिर बीबीसी से नशर हुआ, उनके आज तक मुझे अल्फाज याद हैं कि हमारे साथ जो जावेद मियादाद के साथ जो कुछ हुआ वो हमारे साथ नहीं होना चाहिए, कासिम उमर के साथ जो कुछ हुआ वो हम अपने साथ नहीं होने देंगे। तो इस तरह की वो एक जज्बाती किस्म का एक इंटरव्यू था, वो पहला इंटरेक्शन था जो मतलब इनके इंटरव्यू की सूरत में मतलब हुआ। और फिर वो बीबीसी ने उस जमाने में चूंकि सिर्फ रेडियो होता था, बीबीसी की वेबसाइट नहीं थी, तो वो नशर हुआ था और उसकी काफी यानी अखबारात पाकिस्तान के अखबारात ने उसको मॉनिटर भी किया था। जी राशिद भाई, नहीं नहीं आप लोग रिपोर्टर हैं, राशिद भाई इस वक्त सोच में गुम हो गए, राशिद भाई सोच में गुम हो गए सर, कितने याद आ गए राशिद भाई, 25 साल हो गए इस बात को, बिल्कुल 25 साल हो गए। और उसके बाद फिर जो है वो मशहूर जमाना राशिद लतीफ की जो वीडियो ऑडियो टेप्स थी वो सामने आई, फिर वो उनके बारे में राशिद भाई से कुरेते रहे हम के भाई ये क्या है, किस किस की आवाजें हैं जरा। तो राशिद भाई अभी लास्ट ईयर ही मैंने अपना सामान इस्लामाबाद से मैं कराची गया हुआ था, मैंने कहा अपनी टेप सुनी जरा, निकाल के सुनी, थोड़े थोड़े क्लिप मैंने आपको ही भेजे थे। आप बिल्कुल भेजे थे, लेकिन वो पूरी वो अपना कॉपियां करवा के मुझे भेज दीजिएगा तो कभी रिकॉर्ड में रहेंगे काम आएंगे। नहीं यार अब हमारी जुबान भी बन रहे आजकल हालात ऐसे हैं, वरना तो ना टीवी ना रेडियो पे बोल सकते हैं ना अखबार में लिख सकते हैं, अब क्या करें यार, कहाँ फंस गए यार, कहीं कुछ लिखे। लेकिन 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 राशिद जिस तरह मतलब आपने, मैं ये समझता हूँ कि एक जुर्रतमंदाना फैसला तो आपने किया और अपना पूरा करियर आपने इस पूरे चक्कर में जो है अपने दांव पे लगा दिया आपने, वरना आप आराम से खेल के 200-250 डिसमिसल करके आराम से घर जा सकते थे और मतलब कोई वो होता ही नहीं, लेकिन आपने अपना पूरा माफ कर दें, बचा था गलती हो गई। घर ना जाते 250 डिसमिसल करके, आज नेशनल क्रिकेट कमेटी में होते, बीबीसी में, आईसीसी में होते और स्टार बने होते। आईसीसी का तो नहीं पता, आईसीसी का तो नहीं पता, लेकिन पीसीबी में तो एनी टाइम यार, वो कोई ऐसा नहीं है। पीसीबी में यार मसला डॉक्टर साहब राशिद का ये है कि एक जेब के अंदर जो है वो रेजिग्नेशन और एक में जो अपॉइंटमेंट लेटर, अब वो मतलब जो है वो सिक्के की तरह जो है वो जैसे आदमी सिक्का उछालता है ना कि स्टार, वो मैडम छांप हम पुराने जमाने में कहते थे, चांद तारा और वो क्या है, तो वो उस तरह खेल रहे होते हैं कि यार रेजिग्नेशन पहले या अपॉइंटमेंट लेटर पहले। तो ये भी इन्होंने किया कि कोच बने, हेड कोच बने, अचीव सेलेक्टर बने और इसके बाद फिर जो है वो फौरन छोड़ दिया। रशीद भाई एक सवाल और है, आपने बहुत करीब से जायजा लिया और रिपोर्टिंग भी की जस्टिस कयूम साहब की, और आपके आए बगाए उनसे बात भी होती रहती है, अभी भी होती है। बिल्कुल उस पर थोड़ा सा छोटा सा अगर आप तबसरा कर सकें, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल के लोग गूगल पे देख रहे हैं, आप वो हैं जिन्होंने जाके लाहौर हाई कोर्ट में या कयूम साहब से डायरेक्ट होके उसकी रिपोर्टिंग की है, उसको कवर किया है। देखें राशिद, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मतलब मेरी हमेशा से यानी उस वक्त जब ये इंक्वायरी हुई, रिपोर्ट आ गई, तो उस वक्त भी लोगों ने उसके बारे में मुतजाद बातें की थी और कहा कि उसमें जो है वो कुछ प्लेयर को बचा लिया गया है, आला सतही जो कह लें कि दायरात के तहत, ठीक है ना। अब ये मतलब मैं इस बात की ना कंफर्मेशन कर सकता हूँ ना तरदीद कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी ये पहुंच से दूर थी, मैंने तो सिर्फ उसको उस रिपोर्ट को पढ़ा और उस पूरे प्रोसीडिंग को कवर किया। तो वो एक अहम डॉक्यूमेंट था, मेरी हमेशा से जस्टिस साहब से जब भी बात हुई तो मैंने यही उनका ये गिला हमेशा से रहा, पिछले दिनों भी मेरी जब बात हुई उनसे तो उनका यही था कि अगर मेरी उस रिपोर्ट पर पूरी तरह अमल दरामद हो जाता तो बाद के जो वाकयात थे वो ना होते। लेकिन मेरे ख्याल से वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हेयरिंग थी जो मतलब चली, जिसमें आप भी गए, बहुत से मतलब पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के जो अरबाब अख्तियार हैं जैसे जावेद बरकी हुए, माजिद खान हुए, माजिद खान तो वो आदमी है कि जिन्होंने यही इंक्वायरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहकर करवाई थी आप इसकी इंक्वायरी शुरू करें, ठीक है, उस जमाने में वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, तो उनका बहुत बड़ा यानी कहना चाहिए कि एक रोल है इस चीज को करने में, वरना हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, एटलीस्ट वो चीजें सामने आई।
तो वो एक अहम डॉक्यूमेंट था, अगर उस पर वाकई अगर थोड़ा बहुत उस पर क्रिकेट बोर्ड के अरबाब अख्तियार उस जमाने के या बाद में जो भी आए वो करते, लेकिन बाद में फिर यही हुआ कि हमने यही देखा कि जो भी स्पॉट फिक्सिंग या इस तरह के मामला पे जो भी प्लेयर इन्वॉल्व रहे उनके बारे में नरम रवैया और नन गोशा अख्तियार किया गया और उनको कहा कि जी आते जाओ जी खेलते जाओ आते जाओ जी खेलते जाओ। एक सवाल और है, मैंने अभी मैं और डॉक्टर ने प्रोग्राम किया था उसमें भी ये बात की थी, डॉक्टर का भी मौकिफ यही है मेरा भी है कि जब तक आप लाइव बैन नहीं करेंगे अगर रंगे हाथों पकड़ा गया या एविडेंस है तो अगर दो साल बाद छोड़ जाते हैं तो कोई फायदा नहीं है। जैसे एंटी करप्शन पे बजट है, आईसीसी का भी, पीसीबी, बीसीसीआई सबका अपना बजट है, अगर इनको लाइव बैन करना शुरू कर दिया तो मैच फिक्सिंग तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, स्पॉट फिक्सिंग तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। इसके बारे में आपकी और डॉक्टर साहब की क्या राय है? देखें इसमें हमेशा से जो है वो फॉर्मर प्लेयर्स की तरफ से ही और मुख्तलिफ हलकों की तरफ से ही जो है वो आवाज़ उठ जाती है कि भाई ये इनका जरिया माश है, अगर आपने इनको जिंदगी भर के लिए, जैसे अब दानिश कनेरिया है लाइफ बैन हो गया, जो डोमेस्टिक खेलने दें, डोमेस्टिक खेलने दें। हाँ यही मैं कह रहा था, ये जो जो आप हमेशा से कहते हैं जो मैं भी इस चीज का हामी हूँ कि आप उसको जो है डोमेस्टिक खेलने दें, वो अपना खेलता रहे, क्लब क्रिकेट खेले, डोमेस्टिक खेले, जो भी खेलना है वो खेले, लेकिन वो फिर कंट्री को रिप्रेजेंट ना करे, मतलब वो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में वो वापस ना आए। लेकिन उसके लिए फिर वही बात है कि गवर्नमेंट लेवल पे कानून साजी की जरूरत है, कानून, क्योंकि उसमें देखें फिर यही है कि खिलाड़ी जो हैं वो फिर कोर्ट में जाते हैं, फिर ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन देखिए ये सिलेक्शन जो है कि किसी खिलाड़ी का इस्तेहकाक नहीं है कि मतलब वो ये बजोर जो है ना, मतलब ये कह के जी आप मुझे टीम में शामिल ही करें, तो ये कानून साजी की जरूरत है, पार्लियामेंट से एक बिल पास होना चाहिए, इस तरह की एक होनी चाहिए और उसको फिर क्रिकेट बोर्ड जो है इम्प्लीमेंट करे कि इस तरह के जो मुलविस क्रिकेटर्स हैं वो फिर नेशनल लेवल पर जो है इंटरनेशनल लेवल पर कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर सके। अच्छा रशीद भाई ये राशिद ने जो सवाल पूछा मेरा भी एक जेहन में यही है कि जब तक आप स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे, अगर आप डिफरेंट ममालिक में देखें, साउथ अफ्रीका हो गया, श्रीलंका हो गया और आई थिंक न्यूजीलैंड, इनके भी अब ये कॉन्स्टिट्यूशनली ये हो गया है कि करप्शन के अगेंस्ट पेनल्टीज हैं और वो क्रिकेट बोर्ड के दायरे अख्तियार में नहीं है, वो तो अब एक लॉ बन चुका है उन ममालिक में और इन्वेस्टिगेट भी हो सकता है। मेरा ख्याल है कि जो आईसीसी और ये जो एंटी करप्शन यूनिट है ये बहुत अरसा तो एक इसी उसमें रहे, तजस्सुस में रहे कि इनके अख्तियार क्या थे, क्योंकि जो गवर्निंग बोर्ड है, जो हमारे ममालिक के लॉज हैं वो क्या कहते हैं। तो मेरे ख्याल में हमने ये खिचड़ी पकाई और आईसीसी ने सबसे ज्यादा मिस हैंडल जो किया है वो ये एंटी करप्शन यूनिट किया है और बहुत सारे प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी दे दी कि वो दोबारा दागदार कर सके इस खेल को। आप क्या कहते हैं? नहीं जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये हुकूमत की तरफ से और जो पार्लियामेंट और कानून साज जो इदारे हैं, जो जो फोरम है, वहाँ पे जब मुख्तलिफ अंदाज की, जैसे अब ये होता है कि ये जो कमसन बच्चों के साथ ज्यादती के जो ऑर्डिनेंस आ गया, बिल आ गया, या इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें जब कानून साजी हो रही है, तो ये भी एक ऐसा करप्शन है और एक ऐसा नासूर है कि जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि आपने क्रिकेट को या मुख्तलिफ जो खेल हैं आपने स्पोर्ट्स को पाक करना है। तो एक 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 गाइडलाइन इस तरह की एक कानून साजी एक पेपर पर जब आ जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है क्रिकेट बोर्ड हो या हॉकी फेडरेशन हो या स्क्वाश फेडरेशन या कोई भी हो, वो इस चीज को जो है उस पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। तो जरूरत इस चीज की है कि कानून जो है वो कानून साज। रशीद भाई जाते जाते जरा ये बता दीजिएगा कि जुए की जो वेबसाइट है वहां पे हम वेब स्ट्रीमिंग कर सकते हैं ना पीएसएल के? सर मैंने ना कभी की है ना मैंने लॉगिन किया है। थैंक यू रशीद भाई, डॉक्टर साहब और मैं थैंक यू कॉट बैंक के मैं पंच लाइन दूंगा ना सर। ठीक है ठीक है। हम तीनों में एक शख्स के पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, इनके घर पे या मेरे घर पे किसी ड्रॉअर में मौजूद है, जिस दिन वो मंदिर है एम पे आ गया वो ऐसा तहलका मचाएगा कि मैच फिक्सिंग का नामो निशान कोई नहीं लेगा। Caught behind you.